सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अनदर न्यू वीडियो एंड इन द प्लेटफॉर्म ऑफ डबल एस क्यूबर। फर्स्ट लेयर बनाने के बाद हम लोग को अपना एच पीस वाला लेयर मतलब सेकंड लेयर बनाना होगा। सेकंड लेयर में आपको मैं दो केस बताऊंगा जहां पर आपका जो एच पीस होगा वो अपर की साइड में होगा या फिर एच पीस आपका सेंटर की साइड में होगा। सेंटर के साइड में आपको भी दो केस मिलते हैं जहां पर वो अगर राइट प्लेस पर अटैच है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो रॉन्ग प्लेस पर अटैच है इस तरीके से तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी सीखते हैं। मैं पहले फर्स्ट एच पीस वाला लेयर से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर आपको एच पीस टॉप में दिखेंगे, टॉप लेयर में दिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे को टॉप लेयर में एच पीस देख रहे हैं ऑरेंज और ग्रीन। याद रखें टॉप लेयर में आपको ऐसा के एच पीस ढूंढना है जिसमें येलो फेस ना हो, इसमें येलो फेस नहीं है तो मैं इसे ही कैरी करता हूँ। तो हमें ऑरेंज वाले सेंटर पीस के साथ इसे मैच करना है, तो ये तो रेड है इसके साथ मैच नहीं होगा, ये ग्रीन है ये भी मैच नहीं होगा, हाँ ये है ऑरेंज। तो ऑरेंज के साथ मैच करने के बाद आपको अप्लाई करना है ये वाला मूव यू प्राइम एल प्राइम यू एल। उसके बाद इसको आपको फ्रंट में ले आना है वाइट को और बस इसे इस तरीके जैसे पहले इंसर्ट करते थे हम कॉर्नर पीस को इस तरीके से इंसर्ट करना है। यहाँ पर मैं एक और टॉप लेयर वाला केस बताता हूँ जहाँ पर यहाँ पर ऑरेंज है यहाँ पर ब्लू है। आपको यहाँ पर इसका देखना है और सेंटर पीस से मैच करना है कि ये ऑरेंज से मैच हो रहा है कि नहीं। ये तो रेड है ऑरेंज से मैच करना है, ये ब्लू है ये भी ऑरेंज से मैच नहीं हो रहा है, हाँ यस ये ऑरेंज से मैच हो रहा है। सो इस बार इसको हमको इस तरफ करना है मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड तरफ इसको करना है। सो आपको ये वाला मूव करना है यू आर यू प्राइम आर प्राइम और जैसे ही आ जाता था लेफ्ट हैंड साइड आया है तो जैसे हम इसे इंसर्ट करते थे इस कॉर्नर पीस को यू प्राइम एल प्राइम यू एंड एल और ये हम लोग का इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट केस है उसमें अगर आपको ये एच पीस राइट प्लेस पर दिखता है तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, बट अगर वो रॉन्ग प्लेस में है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सो अगर ये राइट हैंड साइड तरफ है मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड तरफ तो इसे ऐसे पकड़िए और इसे हमको बाहर निकालना है। सो राइट हैंड साइड के लिए आर यू प्राइम आर ये वाला हमारे को कॉर्नर पीस निकल आएगा। इसको जैसे हम लोग इंसर्ट करते थे लेफ्ट हैंड के लिए वैसे ही इंसर्ट कर लेंगे, बट ये अब हम लोग को बाहर निकल आया था। इसको जैसे मैच करते हैं वैसे मैच करेंगे, ऑरेंज के साथ तो रेड मैच नहीं होगा तो इसे रेड के पास ले आएंगे, ये राइट हैंड साइड जाएगा इसलिए हम ये वाला मूव करेंगे। और जैसे हम लोग इसको इंसर्ट करते थे वैसे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये अब हमारा सेकंड लेयर का लास्ट केस है जिसमें अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करके रखना और अप्लाई करना है ये, और जैसे हम इसे इंसर्ट करते थे वाइट को फ्रंट में रख के वैसे इंसर्ट कर देंगे, बट हम लोग का एच पीस इस बार बाहर निकल आएगा। ऑरेंज के साथ मैच करेंगे, ये रहा ऑरेंज, ऑरेंज के साथ मैच किया। इस बार हमको लेफ्ट हैंड साइड में इसको इंसर्ट करना है तो इसको करना है यू प्राइम एल प्राइम यू एल। इसके बाद जैसे हम इस कॉर्नर पीस को इंसर्ट करते थे वाइट को फ्रंट में रख के वैसे इसको इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से आपका फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर भी सॉल्व हो जाएगा। सो यही थी आज की वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ अपना लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट भी कर दीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे ही नई वीडियो के लिए। सो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग लास्ट लेयर बनाने वाले हैं वो कुछ ही दिन में आ जाएगा, उस वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।